अस्सलाम वालेकुम। आज हम पानी पूरी बनाएंगे। उसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हम एक कप रवा ले लिए, और हम सबसे पहले ये गोल गप्पों का बैटर तैयार कर लेंगे। आटा 1 कप रवा है, तो हम ये 1 चम्मच मैदा भी ले लिए। बिल्कुल 1 पिंच डालेंगे हम नमक, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालेंगे। एक पिंच नमक, और थोड़ा सा हमारे पास ये गरम पानी है, ये देखिए, ये गरम पानी से हम ये बैटर भिगा लेंगे, और इसको 1-2-3 घंटे तक हम इसको रख देंगे। इसको भिगा के एक अच्छा डो तैयार कर लेंगे हम, जैसा रोटी का रहता। रोटी से थोड़ा सा सख्त कर लेंगे डो तैयार हमारा ये। थोड़ा सा गरम पानी डाल के भिगा रहे हम ये, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भिगाइए। और ये हम इसमें हम 1 चम्मच थोड़ा सा और मैदा डाल देंगे। ये हमारा गोल गप्पों का आटा तैयार है। अब हम इसको ढक के रख देंगे, 1-2 घंटे के लिए रख देंगे हम इसको ढक के। ये गोल गप्पों के लिए अब हम पानी तैयार करेंगे। उसके लिए देखिए, हमारे पास थोड़े से पुदीने के पत्ते हैं, 2 हरी मिर्च है, और थोड़ा सा हरा धनिया है हमें डालेंगे। में हमारे पास ये जीरा है, जीरे का पाउडर है, ये भी डाल देंगे। और ये चाट मसाला है हमारे पास, थोड़ा सा ये काला नमक है, और ये नींबू है। नींबू हम खटास देख के डालेंगे, अगर और ज़्यादा लगता तो। 1 नींबू तो ले लिए हम, अगर और होना है नींबू पानी में हमारे, पानी हमारा खट्टा नहीं हुआ अगर, तो फिर थोड़ा और हम नींबू डालेंगे खटास के लिए। ये चाट मसाला, जीरा डाल दिए, चाट मसाला डाल दिए, और ये काला नमक, ये सारे चीज़ें हम डाल के मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए, हमारा डो तैयार है। अब हम इसके रोटी के जैसा पेड़े लेके इसको बेल के गोलगप्पे तैयार करेंगे। ये देखिए, रोटी जैसा रोटी बेलते बस वैसा बेलना है इसको। और ये एक हमारे पास ढक्कन है, तो उसके हम गोल गोल कट कर लिए गोल गप्पे। ये देखिए, साइडों से ये जो भी है हमारा आटा वो निकाल देंगे हम। ये देखिए, थोड़ा सा इसको हवा में रख देंगे हम, इसके बाद तलना शुरू करेंगे। एक एक करके तल रहे हम, ज़्यादा नहीं डाल रहे इसमें, एक एक। ये देखिए, ये एक साइड होने के बाद फिर हम दूसरी साइड पलट देंगे। सारे गोलगप्पे हम ऐसे ही तल के निकाल लेंगे। ये देखिए, थोड़ा सा लाइट गोल्डन कलर होने के बाद इसको पलट के हम निकाल लेंगे।
ये देखिए, ये हमारे पानी पूरी में चने और थोड़े से टमाटे कट करके रख लिए हम बीज निकाल के, और ये उबले हुए आलू है। थोड़ा से मसाले मिला लेंगे, थोड़ा सा नमक डालेंगे इसके ऊपर हम, जीरा पाउडर डालेंगे, ये जीरा पाउडर है, और चाट मसाला आधा चम्मच, चाट मसाला पाउडर, कल थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है ये, और हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए हमारे पानी पूरी तैयार, ये देखिए हमारे पानी पूरी तैयार है, और साथ में चने और आलू है उबले हुए हमारे, और ये पानी है हमारा पानी पूरी का, और ये साथ में खट्टी मीठी चटनी है, और इसमें अगर आप बारीक कट करके प्याज भी डालें तो डाल सकते हैं, डालिए हम, अगर हम नहीं डालें तो हम इसको भर के बताएंगे आपको। थोड़े से चने डाल देंगे, ये देखिए चने हो गए, और ये थोड़ी सी खट्टी मीठी चटनी है साथ में, और ये पानी। तो ऐसे पानी पूरी आप भी बनाइए, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे, और मेरे रेसिपीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ये वो बनाइए आप भी, और मेरे रेसिपीज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। इंशाल्लाह कल एक नई रेसिपी लेके आएंगे हम। अल्लाह हाफिज़।